करेंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये हम लोगों के लिए, और इस चैप्टर से एग्जाम में जो है 8 मार्क्स का पूछा जाता है क्वेश्चंस। एनी एग्जाम्स, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, लिख दिए यहाँ पे इसका वेटेज क्या है एग्जाम में। और आपको पता होगा इसके प्रीवियस चैप्टर्स जो हम लोग पढ़ करके अभी आए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो भी इसी तरह से बड़ा चैप्टर था और उसका भी वेटेज 8 मार्क्स ही था अप्रॉक्स। तो अब यहाँ से इस चैप्टर को हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एक काम करिएगा, एक नए पेज पर अपने नोट्स कॉपी के नए पेज पर इस चैप्टर को हेडिंग दे करके और जैसे जैसे बताते जा रहे हैं कंटिन्यू नोट करते चलिएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को हम लोग डिफाइंड करें कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो यहाँ से लिखेंगे चैप्टर का थोड़ा सा डिफिनीसन, चैप्टर को डिफाइंड करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट फेनोमेना ऑफ मूविंग चार्ज। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर में हम लोग, करेंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम है, तो इस चैप्टर में हम लोग मूविंग चार्ज के फेनोमेना के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब फिजिक्स का ब्रांच है लिखा गया जिसमें हम लोग चार्ज के मूविंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मतलब ये चैप्टर डिफाइंड होता है चार्ज के मूविंग से, समझ में बात आ रहा होगा। इसके पहले वाला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कंप्लीट हुआ है वो आपका चार्ज के रेस्ट में कंडीशन स्टेज से डिफाइंड हुआ था। मतलब उस चैप्टर में चार्ज हमेशा रेस्ट में रहा करता था और इस चैप्टर में चार्ज जो है मूव करेगा। मतलब साफ है कि जो 12th क्लास का जो पूरा फिजिक्स है वो चार्ज ऑब्जेक्ट पर ही कंसंट्रेट होता है। 12th क्लास का लगभग पूरा फिजिक्स जो है चार्ज से ही रिलेटेड स्टडी होता है। मतलब ऑब्जेक्ट के जगह पर अगर देखा जाए तो चार्ज रहता है। तो आप बात समझ रहे होंगे, आपको एक बार बताए भी थे यहाँ चार्ज का ही इम्पोर्टेंस होता है 12th क्लास में। इसके पहले वाले चैप्टर में रेस्ट में था चार्ज और यहाँ पे ये मोशन में है और मोशन में भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ रहेगा इलेक्ट्रिसिटी में। जैसे ही मैग्नेटिज्म में जाएंगे तो ये चार्ज एक्सेलरेट करने लगता है पूरा मैग्नेटिज्म जितना पढ़ेंगे। तो अब यहाँ से बात ये आता है कि चलिए चैप्टर तो डिफाइंड हो गया कि इस चैप्टर में चार्ज के मोशन के बारे में पढ़ना है, तो अब आगे है कि करंट क्या है। तो आपको बताते चले कि करंट आपके लिए नया वर्ड नहीं है। करंट को आप 10th क्लास में भी पढ़े हैं, आपका चैप्टर था 10th में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ आप फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीख करके आए हैं। कुछ बातें याद भी होगी वहाँ जो आपको बताया गया होगा। और ये भी आप जानते हैं कि 11th क्लास में आपको बताया गया था फंडामेंटल क्वांटिटी में कि फंडामेंटल क्वांटिटी 7 तरह का होता है, 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, उसमें एक करंट इलेक्ट्रिसिटी भी था। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वही है जिसको चैप्टर फॉर्म में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बात ये आता है कि करंट क्या है, इसको हम लोग पहले डिफाइंड करें करंट क्या होता है। तो जैसे ही चार्ज जो है मोशन में आता है तो उसका जो टाइम के साथ चेंजिंग है चार्ज का, तो टाइम के साथ जैसे ही चार्ज अपना पोजीशन चेंज करता है वैसे ही एक नया क्वांटिटी राइज होता है करंट, जिसका नाम हम लोग दिए हैं। करंट वर्ड का फर्स्ट टाइम जो है एम्पियर के द्वारा डिफाइंड हुआ था, इसका यूनिट वगैरह सब कुछ, इसीलिए एम्पियर्स होता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे करंट का डिफिनीशन क्या हो। तो लिखेंगे
द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी इज कॉल्ड करेंट, दैट इज आई से करंट को डिफाइन करते हैं तो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अब इसी को आप पढ़िएगा, इसको अगर प्रोनाउंसिएट करिएगा तो यही डिफिनीशन आएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, डी डेरिवेटिव है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी इज कॉल्ड करेंट। तो करंट का ये डिफिनीशन हो गया। ये करंट का जो डिफिनीशन है इंस्टेंटेनियस करंट के लिए है, इंस्टेंट मतलब आप समझ रहे होंगे इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, मतलब हर एक टाइम इंटरवल, छोटे छोटे टाइम इंटरवल के लिए ये डेरिवेटिव फॉर्म में करंट को हम लोग डिफाइन किए। आपको यहाँ अगर बताएं हम तो करंट जो है आपका किसी मीडियम में ही फ्लो हो सकता है करंट, मतलब करंट कहाँ से इंड्यूस हुआ, चार्ज के मूविंग से, तो चार्ज कहाँ मूव कर सकता है किसी मीडियम में, विदाउट मीडियम चार्ज मूव नहीं करेगा, मतलब इसके लिए कोई मीडियम चाहिए, तो मीडियम जो है यहाँ कंडक्टेंस मीडियम ही होना चाहिए, मतलब कंडक्टर में ही चार्ज मूव कर सकता है। नॉन कंडक्टर में जहाँ तक बात है तो नॉन कंडक्टर में चार्ज रेस्ट में रहता है हमेशा, मोशन में नहीं हो सकता है, जबकि कंडक्टर में चार्ज मोशन में आ सकता है। तो जैसे ही चार्ज किसी मीडियम पर मोशन करने लगे, मतलब मूव करने लगे और टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज होने लगे तो उसको हम लोग करंट बोलते हैं। तो यह करंट का डिफिनीशन ठीक वैसे ही यहाँ देखने को मिल रहा है जैसे आप जो है वेलोसिटी को डिफाइंड किए थे 11th क्लास में, वहाँ अंतर क्या था कि यहाँ लिखा गया था वेलोसिटी में कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ चार्ज के जगह पर लिखा गया था डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी इज कॉल्ड वेलोसिटी, जबकि करंट को डिफाइंड करते हुए हम लोग लिख रहे हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो यहाँ चार्ज का इम्पोर्टेंस है, ये ध्यान रखिएगा। अगर इसको नॉर्मल फॉर्म में डिफाइंड करना हो चार्ज को तो हम लोग ऐसे भी डिफाइंड करते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो आपको बात समझ में आ रहा होगा, एवरेज करंट को अगर डिफाइंड करना हो तो चेंज इन मतलब टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम, एवरेज करंट का ये फॉर्मूला हो गया एक तरह से, आप समझ में आ रहा होगा आपको। तो इस तरह से हम लोग करंट को डिफाइंड कर चुके हैं। अब बात आता है कि इसका जो है डायरेक्शन क्या हो, क्योंकि चार्ज करंट का जो है डायरेक्शन होता है, क्योंकि चार्ज का फ्लो से ये इंड्यूस हुआ है तो चार्ज का फ्लो कहीं ना कहीं एक खास डायरेक्शन में हो रहा होगा। तो उसके लिए चलिए यहाँ समझते हैं डायरेक्शन के लिए, क्योंकि ये तो एक तरह से आपका मैग्नीट्यूड डिफाइंड हुआ है। तो डायरेक्शन ऑफ चार्ज, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो कहा जाता है कि करंट का डायरेक्शन चार्ज के फ्लो के अपोजिट होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ सेम एज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो जिधर हो रहा होगा उधर ही करंट का डायरेक्शन होता है कह सकते हैं, या और ये आपको समझा रहे हैं नीचे ये क्या हम लिख रहे हैं हम, और फ्लो ऑफ निगेटिव अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, लिखेंगे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज, या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगर इसको देखना हो तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं एज सोन इन फॉलोइंग फिगर। तो फिगर से चलिए इसको समझते हैं, डायरेक्शन करंट का एक पार्टिकुलर होता है, बताया गया कि जिधर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा उधर करंट का फ्लो होता है,
या कहा गया कि निगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के तरफ होता है। तो अब चलिए इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या हम बता रहे हैं, इसको नोट करते चलिएगा साथ में। तो यहाँ पे चलिए समझते हैं, काम करते हैं, करंट के फ्लो के लिए एक मीडियम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ कंडक्टिंग मीडियम इस तरह से ले लिए, और ये लिक्विड है, लिक्विड कंडक्टर, इसमें मान लीजिए कि वाटर है या कोई लिक्विड फिल है जिससे करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज पास कर सके। तो मान लीजिए कि इसमें जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई किए, मतलब कहीं से सेल इसके दोनों टर्मिनल के क्रॉस ऐसे अटैच किए, तो यहाँ पर होगा क्या कि पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, जिधर पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का और ये नेगेटिव टर्मिनल, और नेगेटिव टर्मिनल के तरफ जो है नेगेटिव चार्ज जो है सेट हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जैसे ही सेल जोड़े तो ये टर्मिनल के क्रॉस सेट हो गए इस लिक्विड कंडक्टर में। तो अब क्या है कि यहाँ से करंट को डिफाइंड करना है, उसके डायरेक्शन को डिफाइंड करना है, तो चार्ज के फ्लो को देखेंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो इधर हो रहा है और निगेटिव चार्ज का फ्लो इधर हो रहा है, तो जो करंट का डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के तरफ होगा। समझ में बात आना चाहिए, मतलब यहाँ पर लिखा गया है कि सेम एज पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा उधर ही करंट का डायरेक्शन होगा। तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो इधर से इधर है, निगेटिव का इधर है, तो करंट का फ्लो जो है इधर से इधर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है। समझ में बात आ रहा होगा। अगर आपसे पूछे कि पोटेंशियल बताइए किसका हाई है, इस टर्मिनल का हाई है कि इस टर्मिनल का, तो आप कहेंगे इसका टर्मिनल, इस टर्मिनल का पोटेंशियल हाई है, और यहाँ लो पोटेंशियल है। तो जो करंट का डायरेक्शन है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के तरफ हमेशा होता है, तो इधर होगा। अब नेट करंट का बात करें तो इस पॉजिटिव चार्ज के चलते जो करंट हुआ I प्लस और प्लस I माइनस, मतलब नेट करंट जो है आपका इधर फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्शन को देख रहे थे, और आपको पहले से भी पता है कि करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज के तरफ होता है, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के तरफ होता है। तो इसको आप जल्दी से नोट करिए। तो यहाँ के बाद हम लोग ये जानेंगे कि करंट एक कैसा क्वांटिटी है। तो आपको बताते चलें कि करंट के पास एक खास डायरेक्शन होते हुए भी ये स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज करेंट इज फॉलो सिंपल एलजेब्रा नॉट वेक्टर एलजेब्रा। क्योंकि ये वेक्टर एलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास पार्टिकुलर डायरेक्शन होते हुए भी, क्योंकि करंट का हमेशा डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, और इसका मैग्नीट्यूड तो है ही है और डायरेक्शन भी है, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसका ये जो है सिंपल एलजेब्रा को फॉलो करता है। साथ ही साथ आप कह सकते हैं एज वेल एज इट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। ये फंडामेंटल क्वांटिटी भी है, ये भी कहा जा सकता है, और जितने फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं वो सब स्केलर क्वांटिटी होता है। तो आप ये समझ रहे होंगे बात, इसको भी नोट करिए। अब यहाँ से हम लोग यूनिट के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं यूनिट क्या होता है करंट का।
तो लिखेंगे यहाँ यूनिट ऑफ करंट, तो एसआई यूनिट का पहले बात कर लेते हैं। तो करंट का एसआई यूनिट आपका जो है एम्पियर होता है। जिसको कैपिटल ए से डिनोट कर सकते हैं। और अदर यूनिट जो है इसका, अदर एस आई यूनिट फार्मूला से आ जाएगा। जैसे करंट का फार्मूला अभी देख रहे थे, चार्ज पर यूनिट टाइम टी क्यू बाई टी है। तो यहाँ से चार्ज का कूलम्ब और यहाँ से टाइम के लिए सेकेंड, तो आपका अदर यूनिट आ गया कूलम्ब पर सेकेंड। कूलम्ब पर सेकेंड भी एक एसआई यूनिट होगा चार्ज का, सॉरी करंट का। तो करंट का एसआई यूनिट और हो सकता है कूलम्ब पर सेकेंड। समझ में आ रहा होगा बात। अब यहाँ से इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर सीजीएस यूनिट क्या होता है? तो सीजीएस यूनिट यहाँ करंट का हो जाएगा स्टेट कूलम्ब पर सेकेंड। हो सकता है स्टेट कूलम्ब पर सेकेंड। अब यहाँ से हम लोग डायमेंशन का भी बात कर लेते हैं। डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला करंट का क्या हो जाएगा? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डायमेंशन फार्मूला होता है। करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, डायमेंशन फार्मूला फंडामेंटल में एग्जिस्ट करता है। तो सीधे कैपिटल ए हो जाएगा, या और आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये करंट का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अभी देख रहे थे हम लोग। इसके बाद चलिए करंट के लिए, यहाँ पे हम करंट को दो तरह से डिफाइंड करेंगे। पहला जो है आपका टाइप होगा डायरेक्ट करंट, जिसको हम लोग डीसी भी बोलते हैं। डी फॉर डायरेक्ट, सी फॉर करंट, डीसी। और सेकेंड जो है आपका टाइप है अल्टरनेटिंग करंट। जिसको हम लोग शॉर्ट में एसी भी बोलते हैं, एसी करंट। ए फॉर अल्टरनेटिंग और सी फॉर करंट। इसको चलिए मिटाते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग डायरेक्ट करंट को डिफाइंड कर लें और अल्टरनेटिंग करंट को। अब यहाँ अगर आपको बताएं पहले, तो डायरेक्ट करंट को ही हम लोग यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एसी अल्टरनेटिंग करंट हम लोग का न्यू चैप्टर होगा आगे चल के। ये इसका एक चैप्टर होगा, तो हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। अभी इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? डायरेक्ट करंट को ही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। तो डायरेक्ट करंट क्या है, चलिए थोड़ा सा इसको डिफाइंड कर लें। तो लिखेंगे करंट, करंट हुज डायरेक्शन डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, या लिख सकते हैं ए करेंट हुज डायरेक्शन डज नॉट चेंज इज कॉल्ड डीसी। मतलब एक करंट जिसका डायरेक्शन चेंज नहीं करता है उसको डायरेक्ट करंट के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, तो एग्जांपल हो सकता है जैसे करंट टू बैटरी या सेल, सेल से जो करंट इंड्यूस हो रहा हो, करंट टू बैटरी, या और कह सकते हैं करंट टू
सोलर सिस्टम, आउटपुट डिटेक्टर, सोलर सिस्टम से जो आउटपुट होता है करंट, उसको भी हम लोग डायरेक्ट करंट के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट करंट को थोड़ा सा डिफाइंड किए हैं। अल्टरनेटिंग करंट को चलिए डिफाइंड करते हैं। ये हम लोग का एक नया चैप्टर होगा, आगे चल के बता ही रहे हैं इसको अलग से हम लोग पढ़ेंगे, इस चैप्टर में इसका चर्चा नहीं होने वाला है। थोड़ा सा इसको चलिए डिफाइन कर लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ करेंट, या ऐसे लिख सकते हैं कि एक करेंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स डायरेक्शन डायरेक्शन रिवर्स विथ फिक्स टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एसी करंट, मतलब डायरेक्ट करंट। मतलब कहा गया इसमें कि एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता हो टाइम के रिस्पेक्ट में, एंड साथ ही साथ एंड लिखा गया कि इसका डायरेक्शन भी रिवर्स होता है एक फिक्स टाइम इंटरवल के साथ, तो उसको एसी करंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट सप्लाइड बाय बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो जो बिजली आपके घर में आता है, जो बिजली आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो बिहार इलेक्ट्रिक बोर्ड से आ रहा है, सप्लाइड हो रहा है, तो वो एक एसी करंट का एग्जांपल है। इसको हम लोग चैप्टर अलग से पढ़ेंगे, बोल ही रहे हैं आपको, हम लोगों को यहाँ डायरेक्ट करंट का ही जानकारी लेना है, इसी का कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझना है यहाँ। तो जो कि बैटरी से ये इंड्यूस होगा करंट, सोलर सिस्टम से इंड्यूस होता है ये करंट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट करंट को, जो बैटरी से इंड्यूस होता है इसी को पढ़ेंगे। अब इससे पहले जो है थोड़ा सा और भी नया नया वर्ड आने वाला है यहाँ पे आपका, जैसे करंट डेंसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है करंट का, ये सब हम लोगों को सीखना है। तो इसको मिटाते हैं, अभी तक ये फंडामेंटल चर्चा हो रहा था करंट का। अब यहाँ के बाद हम लोग देखिए स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ नया टॉपिक्स जो आपके लिए नया है, थोड़ा इसको ध्यान देना है, समझना है, क्योंकि जो अब बताने जा रहे हैं ये आप जो है 10th क्लास में नहीं पढ़े होंगे शायद। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक नया टॉपिक के साथ आगे बढ़ने जा रहे हैं, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या होता है अगर आपको हम बताएं तो आप समझिएगा ध्यान से। करंट डेंसिटी बोला गया कि जब बहुत सारा चार्ज जो है किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास करते हैं, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो उसी को हम लोग नया वर्ड जो है करंट डेंसिटी दे देते हैं। और इसको करंट डेंसिटी को हम लोग जे से डिनोट करते हैं, जे, कैपिटल जे से, ये ध्यान रखिएगा। करंट डेंसिटी को कैसे डिनोट करते हैं, जे से,
कैपिटल जे से करंट डेंसिटी को डिनोट किया जाता है। तो कैसे इसको डिफाइंड किया जाए, तो पहले चलिए समझते हैं तब डिफाइंड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर से जो है चार्ज पास करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तभी ना करंट इंड्यूस होगा। तो मान लीजिए कि बहुत सारा चार्ज जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास किया, तो इस करंट डेंसिटी को डिफाइन कर रहे हैं। तो इस ए क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना करंट पास हुआ इसी को हम लोग पर यूनिट, जैसे मान लीजिए कि ए क्रॉस सेक्शनल एरिया से आई करंट पास हो रहा है, तो पर यूनिट कितना करंट पास होगा, तो आई बाई ए, इसी को हम लोग करंट डेंसिटी बोलते हैं। बस यही सिंपल सा है, करंट डेंसिटी नया वर्ड है जो कि पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना करंट पास कर रहा है उसी को बोला जाता है। तो यहाँ लिखेंगे डिफिनीशन में, यहाँ लिखते हैं चलिए, करंट पासेज थ्रू पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करेंट डेंसिटी। तो आप बात समझ रहे होंगे, जैसे आप डेंसिटी सोचिए ना, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में क्या मास है उसको डेंसिटी बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ करंट पर यूनिट एरिया में कितना है, कितना पास कर रहा है, करंट डेंसिटी बोलते हैं, सिंपल है। अब यहाँ से करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाता है आई बाई ए। तो करंट को यहाँ से अगर रिप्रेजेंट करना हो तो लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू जे डॉट ए, लिख सकते हैं। अब डॉट यहाँ है, डॉट प्रोडक्ट है, इसको ध्यान देना है, ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट। क्यों डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि ये जो आई है स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर प्रोडक्ट ही ना हो गया, हाँ समझ में बात आ रहा होगा, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो अगर इसको प्रूफ करना हो तो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखा जाए कि प्रूफ दैट आई इज इक्वल टू जे डॉट ए, तो आप क्या करेंगे, एक कंडक्टर ले लेंगे ऐसे सिलिंड्रिकल कंडक्टर, और इसमें जो है मानेंगे कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। थोड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया को समझिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है जनरली जो है इस तरह से कट लिया जाता है, मतलब हल्का जो है एंगल के साथ लिया जाता है, इसीलिए इस तरह से क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिए। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो एरिया का डायरेक्शन होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ना। जैसे मान लीजिए कि ये सिलेंडर है ना पेन, तो इसको थोड़ा सा ऐसे तिरछा कट करेंगे, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं, ऐसे वर्टिकल, इस तरह से नहीं, इस तरह से। तो थोड़ा सा अगर इसको इस तरह से कट करिएगा तो एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा ना, और करंट का फ्लो इधर हो रहा है मान लीजिए इसमें, तो चार्ज इधर आ रहा होगा। करंट का अपोजिट में निगेटिव चार्ज का फ्लो होता है, पॉजिटिव का करंट के डायरेक्शन में पीछे बता ही रहे थे। तो अब यहाँ पे हम लोगों को डिफाइन करना है करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी डिफाइन कर लेंगे तभी ना ये इक्वेशन प्रूफ होगा। तो अब इस एरिया वेक्टर का करंट के डायरेक्शन में अगर आपको कंपोनेंट लेना हो तो इधर होगा, और ये कंपोनेंट अगर ये थीटा है तो ये कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका हॉरिजॉन्टल करंट के डायरेक्शन में ए कॉस थीटा आ गया, तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा आई बाई ए कॉस थीटा, इसलिए आई इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। और आपको पता है कि यहाँ जो है कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट को राइज करता है, तो यहाँ पे जे और ए कॉस थीटा के लिए आप लिख सकते हैं जे डॉट ए, तो इसी बेसिस पर ये प्रूफ हो गया आई इज इक्वल टू जे डॉट ए।
नहीं प्रूफ हो गया, बात समझ में आ रहा होगा, इसको जल्दी से नोट करिए। यहाँ के बाद जो है हम लोग करंट डेंसिटी को समझेंगे, वो भी आपके लिए नया वर्ड है, लेकिन जैसे ही समझाएंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगा। तो इसको लिखिए और इसको मिटाते हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा सा और बात कर लें, अगर इसका यूनिट का बात अगर करना हो, यूनिट ऑफ जे मतलब करंट डेंसिटी, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, तो जे इज इक्वल टू आई बाई ए है, तो यूनिट क्या हो जाएगा, हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर ना, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, करंट डेंसिटी का यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो गया। डायमेंशन क्या हो जाए, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम नॉट एल इनवर्स स्क्वायर टी नॉट, मतलब टाइम का तो डायमेंशन है नहीं और एम्पियर का है, तो ये डायमेंशन हो जाएगा। अदर यूनिट अगर आपसे कोई पूछे तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, अदर यूनिट इसका एसआई क्या हो सकता है, करंट का था कूलम मीटर इनवर्स, अरे आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो कूलम पर सेकेंड ना, कूलम पर सेकेंड और डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा अदर यूनिट कूलम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, हो जाएगा कूलम मीटर इनवर्स स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, अदर यूनिट हो सकता है ऐसा यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो इसको भी नोट कर लीजिए। ये अब यहाँ से हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड को ध्यान से समझते हैं। ड्रिफ्ट स्पीड भी एक नया वर्ड यहाँ आ चुका है, इसके पहले हम लोग करंट डेंसिटी अभी देख रहे थे, तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है इसको चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिफिनीशन पहले से यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन विथ विच द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन साइड द कंडक्टर इज नोन एज ड्रिफ्ट स्पीड। मतलब क्या इसका है, चलिए यहाँ से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कंडक्टर यहाँ हम लिए, सिलिंड्रिकल कंडक्टर है ये, सिलेंडर शेप में, और इसके दोनों टर्मिनल के साथ पोटेंशियल अप्लाई किए, मतलब सेल जोड़ दिए। सेल जोड़ते हैं तो डीसी करंट इंड्यूस होता है, अभी बता रहे थे। ये वही सेल है जो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहाँ से जो है करंट इंड्यूस होगा, पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ जुड़े हैं सेल का, तो यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल इंड्यूस होगा और उतना ही यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल चार्ज इंड्यूस होगा। नेगेटिव चार्ज ही एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ अगर इस कंडक्टर का लेंथ मान लीजिए कि टोटल लेंथ यहाँ एल है, एल मीटर है, और इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो यहाँ जैसे ही अप्लाई करेंगे आप पोटेंशियल, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट होगा, यहाँ से वो चलना स्टार्ट कर देगा इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेगा इस कंडक्टिंग मटेरियल या इस रड पर, वैसे ही करंट इंड्यूस होना स्टार्ट होगा इसके अपोजिट में आई, इस कंडक्टर पर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा, करंट के डायरेक्शन में नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इस सिलेंडर में या इस कंडक्टिंग मटेरियल, जो कि इसका वॉल्यूम भी होता है, सिलेंडर है तो वॉल्यूम होगा ही, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, लेंथ है तो वॉल्यूम होगा, एरिया भी है इसका, लेंथ भी है तो वॉल्यूम होगा ही। तो इलेक्ट्रॉन्स ये वॉल्यूम में पास कर रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, तो इस स्पीड को इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट स्पीड कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के स्पीड को ही यहाँ ड्रिफ्ट स्पीड कहा गया है, एवरेज स्पीड को, जो इलेक्ट्रॉन इस टर्मिनल से इधर आ रहे हैं जिसके वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है, इसी ड्रिफ्ट स्पीड को हम लोग को डिफाइंड करना है। तो हम लोग डिफाइंड करेंगे इसको, चलिए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड,
एक तरह से डेरिवेशन भी है ये। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ कि सिंस आई इजकल टू, जो ये करंट इंड्यूस हुआ है, आई इजकल टू क्यू बाई टी होता है, तब यहाँ आप समझिएगा कि जो क्यू है, चार्ज का प्रॉपर्टी आपको बताया गया है कि क्वांटिजेशन प्रॉपर्टी, कि चार्ज इजकल टू एनी होता है, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही चार्ज है। तो यहाँ से एन इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ से निकल रहा है, इस टर्मिनल से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, पता नहीं कितना एन इलेक्ट्रॉन, तो वो कहाँ से जा रहे हैं, तो एक वॉल्यूम से जा रहे हैं, तो पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल वॉल्यूम से कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है वो यहाँ रखना चाहिए। तो यहाँ क्यू इजिकल टू लिखेंगे एन ए एल ई। अब ए एल क्या है, तो वॉल्यूम है, क्योंकि एरिया इंटू लेंथ ही ना वॉल्यूम होता है। तो इस वॉल्यूम से इलेक्ट्रॉन एन पास कर रहा है, मतलब इतना से मल्टीप्लाई करके ई लिखना चाहिए यहाँ, एन ए एल ई, ए एल वॉल्यूम है अभी बोल रहे हैं हम आपको। तो अब यहाँ क्यू के जगह पर एन ए एल ई लिख सकते हैं, ए इंटू एल है एरिया इंटू लेंथ जिसमें कि इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, और साथ ही साथ एंड टाइम इजकल टू पता है आपको कि लेंथ डिस्टेंस बाई वेलोसिटी होता है, तो एल टोटल लेंथ कितना इलेक्ट्रॉन लेंथ कवर करेगा एल, और कितने स्पीड से, तो वी डी ड्रिफ्ट स्पीड से, वी डी एल बाई वी, क्योंकि डिस्टेंस इजकल टू वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, तो टाइम इजकल टू क्या हो जाएगा, एल बाई वी डी। तो यही वाला जो वैल्यू है यहाँ रखेंगे अब, और जैसे ही रख करके थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ड्रिफ्ट स्पीड का एक जनरल फार्मूला आ जाएगा जिसको याद रखना पड़ेगा, उससे क्वेश्चन बनेगा। तो Q के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, N वॉल्यूम है, L मतलब भी लिख सकते हैं, लेकिन हम L इसलिए लिख रहे हैं कि एरिया और लेंथ यहाँ नोन दिया गया है, तो A इंटू L और E इलेक्ट्रॉन्स जो कि पास कर रहा है इसमें, डिवाइडेड बाई L बाई वी डी। अब यहाँ से देखिए L से L कैंसिल हो गया और I इजकल टू आपका आ गया N A E बाई, हाँ N A E, ये वी डी ऊपर जाएगा इंटू वी डी। तो I इजकल टू इतना जैसे ही आया तो आप देख रहे होंगे कि वी डी इजकल टू, ध्यान से देखिए, वी डी इजकल टू हेंस लिखते हैं, वी डी इजकल टू आई बाई एन ए ई हो जाएगा। तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक जनरल फार्मूला आ गया, स्पीड बोले वेलोसिटी बोले उससे दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो ड्रिफ्ट स्पीड का एक जनरल फार्मूला आ गया ये, और वेयर एन क्या है, एन यहाँ इम्पोर्टेंट है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल वॉल्यूम, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल वॉल्यूम से कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वही है एन ए, और ए क्या है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया। और आई तो करंट है ही, वी डी ड्रिफ्ट स्पीड है, आपको पता है, तो इसको नोट करिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फार्मूला आ चुका है, यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये। अब यहाँ इसके बाद हम लोग रिलेशन एक डेवलप करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बीच, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वो भी इसको मिटाते हैं, इसको जल्दी से आप लिख लीजिए। अब यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं, एक रिलेशन डेवलप करेंगे हम लोग। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको समझ में आ गया होगा क्या है, कि कितने इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टिंग मटेरियल से पर यूनिट वॉल्यूम पास कर रहे हैं, तो वही पर यूनिट वॉल्यूम जो इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहा है उसी के स्पीड को हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं, जिसको डिफाइंड इस तरह से हम लोग किए, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला है आई बाई एन एन ए ई, एरिया है क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ से एक नया हेडिंग है रिलेशन, रिलेशन बिटवीन करेंट डेंसिटी
जे एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड, धी और बेस में डी लिख रहा है ताकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये समझ में आए आपको। तो रिलेशन क्या हो, तो लिखेंगे यहाँ कि सिंस वी डी इज इक्वल टू, क्योंकि रिलेशन डेवलप करना है तो दोनों का फार्मूला फंडामेंटल लिखना पड़ेगा। तो वी डी इज इक्वल टू यहाँ पे अभी अभी आया है कि आई बाई एन ए ई होता है, इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, एंड इसको भी मिटा लेते हैं। एंड करेंट डेंसिटी इज इक्वल टू जो है आया है आई बाई ए, करेंट पर यूनिट एरिया, इसको सेकेंड मान लेते हैं। तो यहाँ से करेंगे क्या कि नाउ इक्वेशन टू पुट इन इक्वेशन वन, जैसे ही आई बाई ए के जगह पर जे रखेंगे तो रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि आई बाई ए है ना यहाँ, तो आई बाई ए के जगह पर जे रख सकते हैं। तो वी डी इज इक्वल टू जे बाई एन ए, तो यह एक रिलेशन फार्मूला हो गया। वेयर जे क्या है, करेंट डेंसिटी है, एन क्या है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल वॉल्यूम, एन इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये रिलेशन फार्मूला भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन इससे बनता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इससे बनता है। तो इसके बाद हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग इसके बाद कंटिन्यू नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसको आप जल्दी से लिख लीजिए, इससे रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम एम करीम बुक में है, एच सी वर्मा बुक से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास अदर कोई कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन बैंक है तो उसको भी आप लेकर सॉल्व करिए इससे रिलेटेड। इसके बाद का जो टॉपिक है ओम्स लॉ है, तो ओम्स लॉ को हम लोग अगले क्लास में समझेंगे और सीखेंगे क्या होता है ओम्स लॉ। तो आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, इसको आप नोट कर लिए होंगे, इसको लिखने के बाद एक बार इसको रिकॉल करिएगा, इसको समझिएगा कैसे कैसे सब बताए हैं खुद से। एक बार इसको समझने के बाद बुक उठाइएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, उसको आप सॉल्व करिएगा। अगले क्लास में मिलते हैं, ओम्स लॉ के साथ कंटिन्यू किया जाएगा। आज के लिए इतना ही।